मैं यही कहना चाहूँगा, इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, एज अ लीड एक्टर भी हूँ। इस फिल्म के अंदर काफ़ी मेहनत की है मैंने, उसके बाद का भी जो प्रोसीजर है, जो काफ़ी मुझे हेल्प की है, जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमारे के अली खान और हमारे राइटर साहब है नरेंद्र नाथ ज्वाला, और हमारे इन्होंने सपोर्ट किया है भैरव सर ने। इस फिल्म के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया है उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलूँगा। और मुझे पब्लिक का और सपोर्ट चाहिए कि मेरी पहली फिल्म यहाँ लगी है और आगे भी लगेगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट फिल्म भी जो बनाऊँ उसके लिए मुझे और पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, और इससे अच्छी और फिल्में बनाना चाहूँगा पब्लिक के लिए कि वो मुझे पसंद करें और लाइक करें। देखिए मैं बुरा या गलत अच्छा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि देखिए कॉलेज लाइफ के हिसाब से ये फिल्म इसलिए बनाई है, आप जो भी स्टूडेंट है क्लासेस वगैरह जो भी है जो कॉलेज वगैरह जाते हैं उनको तो सभी मालूम है, आजकल मॉम डैड को भी सबको मालूम है कॉलेज लाइफ क्या होती है। कॉलेज जाओ तो लड़कियों के साथ में घूमना फिरना इंजॉयमेंट करना ये सब तो सबको पता ही है, तो इसी लाइफ के हिसाब से मैंने ये फिल्म बनाई है कि लोगों के लिए बुरा नहीं है, बुरा मत सोचिए। पब्लिक यही सोचेगी कि भाई ये फिल्म गंदी है ये है, वैसी नहीं है। पब्लिक चाहती है कॉलेज लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, पर कॉलेज लाइफ अगर इंजॉय कर रहे हो तो अच्छे से इंजॉय करो, नहीं तो मत करो। इंजॉय कर रहे थे आप साथ में बैठे थे, कैसा पब्लिक का रिएक्शन भी मुझे अच्छा लगा, पीछे से तालियों की आवाज़ भी आ रही थी, वाह भी हो रही थी। पब्लिक से यही चाहूँगा कि मुझे और भी सपोर्ट करें। थिएटर में आज फिल्म चुकी है, दर्शकों से क्या कहेंगे, क्यों आए थिएटर के अंदर? अब दर्शकों से तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी आपके आजू बाजू वाले लोग को बताइए फिल्म कैसी है क्या नहीं, बाकी ऑडियंस के ऊपर पसंद करना ना पसंद करना, और जो कुछ है अभी हमारे अनिल साहब ये भी कुछ बताएंगे हमारी फिल्म के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, आपके क्या है? देखिए मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर है संजय नगवाड़िया, ये हॉरर फिल्म बना रहे हैं, इनकी भी कम से कम 12-13 सीन हो चुके हैं। फिल्म का नाम है द हंटेड रियलिटी शो, उसमें ये खुद डायरेक्टर है और एज अ लीड एक्टर मैं भी हूँ, और इन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, इनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। और ये फिल्म होने के बाद में एक मैं मराठी फिल्म भी बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बाजी प्रेम। पहले तो मैं ऑडियंस का थैंक यू बोलना ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस बहुत इंजॉय कर रही है फिल्म को। मैंने जो उनका रिव्यू देखा है उनका जो हमारे साथ मैं देख रहा था कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है, और जो फिल्म है इसका जो मैसेज है ना ये दोस्ती को लेके है, और ये फिल्म जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी फिल्म है। और मैं बताना चाहूँगा कि ऑडियंस को जब पता चलेगा कि प्यारी सी यारी एक ऐसी फिल्म है, ऐसा कंसेप्ट है कि सिर्फ दोस्ती को दर्शाती हुई आपको आपकी लाइफ को लाइफ से रिलेटेड आपके जीवन को बहुत सारी चीज़ें बताती हुई आपकी दोस्ती को बताती हुई, तो ऑडियंस को बहुत मज़े आने वाले हैं। अच्छे गाने हैं फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है, और मैंने इमरान जी के साथ काम किया, हमारे संजय जी के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जो मेरा किरदार है वो एक झोलर का होता है कि मतलब मैं हर एक जगह सेटिंग कर लेता हूँ, किसी को भी पटा लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, तो ये ऐसा एक फ़नी कैरेक्टर है कि कहीं भी अपनी सेटिंग कर लेता है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ राजा को बुलाओ, राजा उस कहीं भी पहुँच जाएगा, वो अपनी सेटिंग कर लेता है, तो ऐसा मेरा किरदार है। बहुत अच्छा लगा मुझे और निभाते हुए, और ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी टीम है, मैं हमको आपको आप सबको उनसे मिलाना चाहूँगा, हमारी जो लीड एक्टर है उनसे भी मिलाना चाहूँगा, आइए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मूवी का
काफी दिनों से हम लोग शूट कर रहे थे इसको, काफी दिक्कतें भी आई हमें ये फिल्म पूरी करने के लिए। बहुत मैं, इमरान, उसे हमारे प्रोड्यूसर मोती जी, काफी जो बहुत दिन हो गए हमें एक फिल्म को करते करते, यार क्या करें क्या करें, पर एंड तक हम लोग ने इसका साथ छोड़ा नहीं और इस फिल्म को पूरी की। दाद देता हूँ मैं इमरान शेख को भी, खाली शेख जो भी है, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर दोस्त है मेरा, काफ़ी मेहनत किया उसने भी। मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी जो मेहनत थी, मैं इसे मेरी मेहनत नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि चलो मेरे आने से एक बंदे का कुछ आगे करियर बढ़ेगा, तो मैं बहुत खुश हूँ उसमें। आज इसकी ये फिल्म लगी है, इसके बाद ही मेरी खुद की फिल्म जो द हॉन्टेड रियलिटी शो जो इसने बताई अभी, जो मैं खुद कर रहा हूँ, हिंदी मूवी है, कमर्शियल मूवी, जो कि मैं अभी घोषणा कर दूंगा आपको, हाफ सीआर की फिल्म बना रहा हूँ मैं वो फिल्म, उसमें जो लीड हीरो भी है मेरे साथ में, वो फिल्म में मैं डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, जो द हॉन्टेड रियलिटी शो। चलो अभी ये फिल्म हमने बनाई है प्यारी सी यारी हमारी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी अभी से नहीं आगे भी यही हमारी प्यारी इसी यारी बनी रहे। और हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब है के अली खान जी, जो इसने इस फिल्म को प्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे खान साहब, और ये हमारे देवेंद्र लाड़े भाई, ये हमारे जो मेरी फिल्म में भी है, ये फिल्म में नहीं है पर आज यहाँ पे आई है फिल्म में, मेरी फिल्म में भी अच्छा लीड रोल कर रहे हो। और उसके बाद यही दो हीरोइन है परी और बबीता, मैं यहीं पे अभी घोषणा कर देता हूँ कि ये दोनों मेरी फिल्म में भी लीड हीरोइन रहेगी, अभी से मैंने उसको फाइनल किया है दोनों हीरोइन को। और दूसरा अनिल, एक ये लड़का भी है जो मेरी फिल्म में है, इसके बाद में मैं खुद हूँ, और भी इसमें कुछ गिने चुने कुछ 20-25 इसमें आर्टिस्ट लोग अच्छे हैं और मार्केट के भी आर्टिस्ट हैं उसमें आगे। तो मैं बस यही इतना ही बोलना चाहूँगा कि फिल्म और आगे जाए और आगे और भी बड़े लेवल से और बड़े बड़े मल्टीप्लस में भी इसको रिलीज करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहूँगी क्योंकि जो किरदार आप लोगों ने पसंद किया, तालियां बजाई उसके लिए थैंक्स। और उसके बाद मैं सबसे पहले थैंक्स कहूँगी अतुल जी को जिन्होंने हमें इस फिल्म में कास्ट किया था और जिनके कारण हम आज यहाँ पर खड़े हैं, और मुझे तो अच्छा लगा। अब बताइए आप ऑडियंस को पसंद आई तो ऑफकोर्स मुझे भी पसंद आई। आपकी पहली फिल्म है शायद ये, इससे पहले आप? नहीं, इसके पहले मैंने फिल्म की है, सीरियल्स भी किए काफ़ी। ये न्यू टीम थी तो ऑफकोर्स मुझे न्यू टीम के साथ काम करके अच्छा लगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई है लेकिन मुझे ये रिजल्ट सामने आया तो अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली सबसे पहले थैंक्स मैं भी अतुल जी को देना चाहूँगी। एक्चुअली जब मैं मुंबई में आई थी सबसे पहले ये मेरी फिल्म थी। काफ़ी सारे एक्टर्स आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, लेकिन काम के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इत्तेफाक से मुझे मैं आई थी तो 17वें दिन ही मुझे ये फिल्म मिली थी, वो भी लीड में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड सबसे मेन बात कि फिल्म बनाना आसान है, फिल्म कोई भी बनाता है, लेकिन उसे थिएटर तक पहुँचाना ये मेन बात होती है। और हमें खुशी है कि हमारी फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हुई है। एंड बहुत अच्छा लगा, है मेरी पहली फिल्म थी जो रिलीज हुई है, आगे भी हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग ने पसंद किया। एक्चुअली मेरा जो किरदार था, जो कैरेक्टर था, एक ऐसे चुलबुली लड़की बट एकदम शांत सी, पूजा पाती करने वाली एंड ऑल दैट समथिंग लाइक, बहुत भोली भाली सी लड़की, इसका कैरेक्टर जो था वो तेज था, तो ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ जगह पे फंसती रहती हूँ, ये मुझे बचाती रहती, मतलब अपने दोस्ती को प्रूव करती रहती हूँ, मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ती है। यही कि जब भी दोस्त चुनो तो अच्छे चुनो, क्योंकि दोस्त में दोस्त तो बहुत बनते हैं लेकिन अच्छे दोस्त नहीं बनते। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी क्योंकि इस फिल्म से मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है एंड ऑब्वियसली फिल्म ने यही दर्शाया है, सो प्लीज दोस्त बनो तो अच्छे बनो, बिल्कुल प्यारी सी यारी की तरह। क्या कहेंगे आज एक महत्त्वाची भूमिका या ठिकाणी या सिनेमाच्या माध्यमातून आपल्याला सर्वांना स्पष्ट होते की कॉलेजच्या जीवनामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये जे काही मैत्रीचे जे संबंध आहे ते संबंध जर रूढ झाले तर मला असं वाटतं सामाजिक परिवर्तनाचा जो काय आशय आहे तो आशय संपूर्ण समाजामध्ये जाईल।
आणि म्हणूनच या सिनेमाची जी काही महत्त्वाची बाब आहे ती म्हणजे दोस्ती, एकमेकाबद्दल असणारं प्रेम आणि त्यामधून दिसणारा मानवतावाद, त्या ही जी काही भूमिका आहे ही डायरेक्टरच्या माध्यमातून, इथल्या कलाकाराच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्याला जग जाहीर होते. फिल्म के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जब कोई बच्चे जब पैदा होते हैं घर पे तो माँ बाप से उनका पाला पड़ता है और माँ बाप वो बात नहीं सिखाते और माँ बाप को नहीं कह सकते जो दोस्त को कहते हैं. और इस फिल्म के माध्यम से यही दिखाया गया है, यही दर्शाया गया है कि मतलब ये होना चाहिए कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो उसको अपनी दिल की बात सब बता सके और हमारी जो दिल की बात अपने दिल में रखे, जाहिर मत होने दे दूसरे को. और हमारे बुरे वक्त में हमेशा काम आए, जैसे इस फिल्म में बुरे वक्त में हमारे प्यारी सियारी मेरे बच्चे लोग काम आए हैं, हम यही कहना चाहेंगे. जिन्होंने मेरा डैडी का रोल किया है उनसे भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है और उनके बेटे भी है जो खुद गज़ल भी गाते हैं, उनसे मिलाना चाहूँगा. ये है मुरली शर्मा और ये उनके बेटे. भी कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि लड़के हैं पर लड़की का रोल भी बहुत अच्छा निभाया है इन्होंने. तो अभी जो कुछ है आप इनसे तो पूछिए और इनसे पूछिए. आप दोनों अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और आपका कैरेक्टर भी. देखिए, आज के ट्रेंड में पिक्चर बनाना तो आसान है, उसको थिएटर तक लाना दर्शाना ये बहुत मुश्किल की बात है. कॉम्पिटिशन इतना है, बड़े बड़े हीरो लगे हुए हैं, ये इमरान की कोशिश है, इनकी शिद्दत है, इनका जुनून है जो आखिर में पर्दे में आपको दिखाई दे रहा है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ जॉब आज के लिए. कुडोस टू हिम, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत मेहनत की है. बेचारे गला बैठ गया था, घूमना फिरना, टाउन में जाना, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना, इट्स अ वेरी टफ जॉब. मुझे मालूम है शुरुआत के दिनों में कितना मुश्किल था, हम लोग ने जितना हो सके साथ दिया डेफिनेटली. और जो मैंने किरदार किया मेरे बेटे के साथ में, मैं खुद मेरे बेटे को फ्लर्ट कर रहा था शूटिंग के दौरान, तो बड़ा आसान था. डबिंग के टाइम पर जब मैंने इसके हाथ चूमने का किया तो मेरे को बड़ा शर्म आया कि अरे मैं क्या करूँ. खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग. बाकी देवरू बताएंगे. हुआ तो ऐसा था कि मैं पहली मरतबा देखा कि मेरा बाप ठरकी भी हो सकता है. अभी तक मैंने जब भी इन्हें देखा, बहुत शरीफ रहते हैं, बचपन से देख रहा हूँ, तो पहली मरतबा देखा कि ठीक है भाई ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है. और फिर एक और ये बात रही कि औरत का किरदार करना है, अच्छा बंदा भी बने रहना है कि यार बंदा है जो जानता है वो औरत बन रहा है और फिर वो औरत का किरदार कर रहा है, तो कई सारी चीज़ें थी जो एक साथ मिल के आई और उनके साथ में केमिस्ट्री भी मिलती रहती है, बाप बेटे हैं तो होती रहती है. तो दोनों आखिर क्वेश्चन के आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? काफ़ी अच्छी है, मैं तो कहूँगा यकीन जानिए जो आज का यूथ है उसके लिए काफ़ी नेसेसरी है कि ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में देखें, ऐसी फिल्मों से कुछ सीखें. वाकई में जो दोस्ती का वो ख्याल है, अभी ऐसा हो गया कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है हम कहते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, हम ज़रूरत के वक्त ही उनके पास जाते हैं. हालाँकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो हम उन्हें तमाम दोस्ती तमाम कर लेते हैं, वो नहीं करके. ये जिस दिन मैं पहले दिन मिला था इमरान से, उस दिन की दोस्ती आज उसमें ज़रा भी खलल नहीं है. और यही चीज़ मैं देख रहा हूँ इमरान ने हर एक से निभाया हुआ है और यही चीज़ उसने फिल्मों में दर्शाने की कोशिश की है, जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के दौर में. फ्रेंडशिप इज लूजिंग इट्स डेप्थ, तो इसने वो एनकरेज करने के लिए पिक्चर बनाई है, सब लोग इन्जॉय करेंगे मेरे ख्याल से. इसमें एक लीड एक्टर एक और बंदा है, एक्चुअली उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे, जो आज आए इस फिल्म के लिए, मैं उनको बुलाना चाहूँगा. राजवीर सिंह आप देख सकते हैं ये भी थे इस फिल्म में, इनको कुछ ट्रीटमेंट की वजह से बाहर जाना पड़ा, अभी अच्छे खासे ठीक होकर आए. अब आपको इस फिल्म के बारे में बताएंगे, ये फिल्म आपको कैसी लगी? स्टार्ट की थी हम लोग ने 2 साल पहले, इमरान ने मुझे कॉल किया था कि हम एक दोस्ती के बेस पे फिल्म बनाएंगे, तो आई होप कि आपको पिक्चर अच्छी लगी होगी. साइलेंट आपको पिक्चर आपने देखी क्या? कैसी लगी आपको? मेहनत की है किरदार इसमें मेरा एक दोस्त एक इमरान मेरा भाई बना है, एक फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ट पिक्चर बनी हुई है. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका काम करने का?
काम करने का पहले हम लोगों ने पहले भी बहुत काम किया है साथ में। इस मूवी में इमरान ने मुझे कॉल किया था तो मैंने एक फ्रेंडशिप की वजह से इसके साथ में काम किया। दर्शकों से यही कहेंगे कि डेली एक दो शो आके देखिए। जी हाँ, मुझे दिल्ली से बुलाया हुआ था। हजरत अली खान जी ने बोला था कि आपने आना है और मैं आया हूँ उनके बुलाने पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इसमें मेहनत कर रखी है, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब ने मेहनत की हुई है, बहुत अच्छा काम है। और आज के डेट के हिसाब से ये लेटेस्ट स्टोरी है मेरे हिसाब से आजकल के जो यंग जनरेशन के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो कंसेप्ट जो लिया है, कंसेप्ट वाकई देखने लायक, और मेहनत बहुत अच्छी, हर एक की मेहनत, डायरेक्टर की भी और कैमरामैन की, मेकअप मैन की, हर एक की। और जो उन्होंने साइट जो देखी, इन्होंने जितने लोकेशन देखी वो एक बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। अगर हम फिल्म के अंदर बोर नहीं हुए कहीं पर भी, देखी पूरी फिल्म मैंने स्टार्ट से एंड तक देखी। नहीं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं अपने गाने के, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है हर एक की। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, इनका फेस एक्सप्रेशन वगैरह देख के, बॉडी लैंग्वेज वगैरह बहुत ही अच्छी है। सर, आप इनके साथ मौका मिला तो काम करना चाहेंगे? भाई, अगर मौका मिलता है, कोई ठीक से स्टोरी है तो बिल्कुल काम, तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो कोई बुलाएगा तो हम काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों से क्या कहें? दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा है और इमोशनल भी है, इसमें सब कुछ है, मतलब हर टाइप का जैसा आप चाहिए, कोई गलत वो नहीं है कोई सीन जो कि हम देखिए। इसमें क्या है, फिल्म वही अच्छी होती है जो आपकी फैमिली और हमारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके, बाकी उस फिल्म के अंदर जान होती है। ये नहीं कि खाली एक पर्टिकुलर किसी एक ही उसके लिए बनाई जाए, समाज के लिए वो नहीं, इसमें पूरा का पूरा कवर कर लीजिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि फिल्म है, रिलीज भी करी, और कैसा, और भी काफ़ी अभी जो है जगह है लगानी है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से रेस्पॉन्स अच्छा चल रहा है। अभी अगला टारगेट है गुजरात का, गुजरात में रिलीज कर रहा हूँ पूरी, फिर ऑल इंडिया में एक साथ रिलीज करनी है मुझे। कास्ट के बारे में, असल में जो फिल्म की है, जो स्टोरी मुझे है वो बहुत अच्छी लगी, और जो स्टोरी अच्छी लगी उसी को देख के जो, और इनकी जो है मेहनत भी देख के और कास्टिंग भी अच्छी लगी, इसकी वजह से ही मैंने ये फिल्म ली और रिलीज करने का इरादा किया। इमरान के बारे में क्या हुआ? इमरान देखा जाए तो इमरान की एक बहुत अच्छी एक्टिंग भी, और प्लस कि एक मेहनत देखी मैंने, जो लगन देखी वो शुरू से ही सबसे देखा कि सबसे ज़्यादा तो देखी वो लगन देखी। और जैसे ही मेरे सामने आए कि सर ये मूवी है, मैं बोला पहले देख लेता हूँ, तो पहले तो ये मेरे पास में पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आए थे, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देखने के लिए फिर मैंने पूरी फिल्म को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। और संजय नगवाड़िया जी जो असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्शन मास्टर भी हैं इसमें, जो उन्होंने बताया भी अभी जो है पहले आए थे, तो वो मेरे पास में लेके आए, फिर मैंने कॉन्सेप्ट शुरू से देखा। और एक देवेंद्र लाड़े जी, तो ये दोनों मेरे पास में आए, तो जब कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मैं बोला भाई इधर उधर ये रिलीज कौन कर रहा है, तो बोले सर आप रिलीज करिए। इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट अच्छा होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट उठाया और रिलीज का इरादा किया। कितने प्रोजेक्ट आपके पास है और क्या करने वाले? मेरे पास अभी भी 5-6 प्रोजेक्ट हैं लगातार रिलीज करने के लिए, और काफ़ी फिल्में हैं जो रिलीज की हुई हैं अभी, कंटिन्यू जो है आम आम है, कमबख्त इश्क है, रिया फिल्म है, और एक क्रिमिनल माइंड है। ये 4-5 मूवी हैं जो लगातार हैं मेरे पास, और अदरवाइज और एक दो फिल्में हैं जी हैं जो दिल्ली से स्पेशल है, इनको भी यहाँ बुलाया हूँ मैं। बहुत अच्छी मूवी है, इसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत बहुत ज़्यादा की है। दूसरा, एंटरटेनमेंट बहुत सारा है इसमें, हर फैमिली के साथ हर इंसान बैठ के देख सकते हैं, फैमिली के साथ कुछ वल्गर नहीं है, और काफ़ी अच्छी कोशिश है। ज़रूर देखनी चाहिए, बोरियत नहीं होगी बिल्कुल भी, और मूवी को ज़रूर देखें, मैं यही कहूँगी बस। क्या बोलना चाहेंगे?
एज अ फ्रेंडशिप बहुत एक दोस्ती के ऊपर है, दोस्त के ऊपर, दोस्त कहते हैं ना कि फ्रेंड्स और कुछ नहीं, बस दोस्त दोस्त के कितना काम आते हैं। फैमिली के साथ आप देख सकते हैं बैठ के, इतना मैं कहूँगी, अच्छी फिल्म है। दर्शकों से यही कहूँगी प्लीज दर्शकों से मैसेज दे दो दोस्ती।